बरेली के सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी मोदी समेत भाजपा के सभी नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिल रहे जनसमर्थन और उनके कार्यक्रमों में उमड़ रहे जनसमूह को देखकर बेचैन हो गए हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही कर चुके थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस एक्सप्रेसवे का फिर से शिलान्यास किया। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव ने विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सिर्फ लखनऊ में ही कैंसर का विश्व स्तरीय हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय इकाना स्टेडियम, यमुना रिवर फ्रंट, विश्व स्तरीय पुलिस हेडक्वार्टर, आलमबाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा उनमें से कुछ प्रमुख कार्य हैं। लेकिन भाजपा सरकार के पास बताने और दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए भाजपा के सभी नेता बेफिजूल की बयानबाजी और जनता को धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। इस बार का चुनाव अलग तरीके का चुनाव होगा, महत्वपूर्ण चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहेगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी इस बात के लिए तैयार हैं कि कुछ भी हो हमको सरकार में आना है। और समाजवादी पार्टी की मदद सभी जाति वर्ग धर्म के लोग कर रहे हैं, जनता खुद तैयार है अखिलेश यादव की सरकार बनाने की, उनको मुख्यमंत्री बनाने की। एक्सप्रेस वे बनी पूर्वांचल, उसका पूरा पैसा अकेले दिए लाट कर दिए थे, 80% जमीन खरीद लिए थे, उसका शिलान्यास कर देते, उसका टेंडर हो गया था, अब बनने वाली थी तब तीन आचार संहिता लागू कर दिया 3 साल, आपको याद होगा 3-3.5 महीना पहले। अगर उस तरह का चुनाव हो तो आज आचार संहिता लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। तब तक नहीं होगी जब तक प्रधानमंत्री जी पूरा प्रदेश घूम के भाषण नहीं देंगे, तो हमारा काम शुरू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी उसका आके पुनः शिलान्यास किए, उनको पूछना चाहिए था अपने मुख्यमंत्री से कि इसका शिलान्यास हुआ है कि नहीं हुआ। तो काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। उसका हमने कहा कि केवल मैंने लखनऊ का उदाहरण दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब केवल प्रदेश को छोड़िए केवल लखनऊ की बात करते हैं। मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, ये लिखित बात है, हाउस में आप छींक भी आ जाएगी तो लिख दिया जाएगा कि फलाना सदस्य को छींक आई। हमने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया लखनऊ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेदांता को लेके आए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, बिजली हेडक्वार्टर बनाया, आलमबाग का बस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया, उन्होंने ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा एक माल बनवाया जिसको उन्होंने अभी बेच दिया, गोमती तट को ठीक किया, मेट्रो चलवाया, आगरा से लगता हुआ एक्सप्रेसवे बनाया और बहुत सारे काम किए। आप अपने बजट में उत्तर प्रदेश छोड़िए लखनऊ में एक कोई काम किए हो तो खड़ा हो गया।